वेलकम दोस्तों, मैं अंकित कुमार और हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन का चैप्टर, ठीक है। संचार जो हमारा चल रहा था और उसका ये पार्ट है एक और इसमें हम अपवर्ड कम्युनिकेशन, जो ऊपरी मुख कम्युनिकेशन होता है, ऊपरी मुख संचार होता है, वो क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ऊपरीमुखी संचार, इसमें हम क्या करेंगे, अपवर्ड कम्युनिकेशन, इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो था डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक। अब इसको समझ लेते कि अपवर्ड कम्युनिकेशन है क्या। देखिए इसमें क्या है कि संदेशों का, ठीक है, संदेश जो भी हम मैसेजेस हैं हम भेजना चाह रहे हैं, उनका ऐसा प्रवाह जो नीचे से ऊपर की ओर जाता है, ठीक है, मतलब ऐसे बढ़ता है। इसको अगर हम इसको दिखाना चाहें डायग्राम के थ्रू तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि पहले यूं है, फिर ऐसे देखिए बढ़ रहा है, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा है, ऐसे जाएगा ये, ठीक है, ये हमेशा बढ़ जाएगा, मोबाइल के नेटवर्क की तरह हो जाएगा। ये हो गया आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन, जो नीचे से ऊपर की ओर होने पर उसे हम ऊपरी मुख कहेंगे, ठीक। डाउनवर्ड कैसा था कि ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, ऐसे चलता रहेगा, ठीक। तो ऐसे जाएगा ये डाउनवर्ड, ये हो गया अपवर्ड और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। समझ लेते हैं इसको क्या है। देखिए अपवर्ड और डाउनवर्ड में फर्क क्या है, डाउनवर्ड हम पहले पढ़ चुके हैं और अपवर्ड में हम क्या करेंगे, जैसे हम जानते थे अभी तक अधिकारी, और अधिकारी से सूचना कहाँ जाती है, अधिकारी चीजें कहाँ जाती है, नीचे कर्मचारी के पास, ठीक, ये प्रश्न होता है। अभी हमने पढ़ा डाउनवर्ड में, अब इसका उल्टा कर दीजिए, उल्टा करके आ जाएगा कर्मचारी यहाँ हो जाएगा और अधिकारी यहाँ हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि इसको भी हम डाउनवर्ड कह रहे हैं, इसको अपवर्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में हमारा जो एरो है केवल ये चेंज हो जाएगा। ये एरो कहाँ लग जाएगा जा करके, ये एरो ऐसे हो जाएगा यूं, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही चीज़ें, ठीक, यानी कि चीज़ें कर्मचारी जो नीचे का लेवल है उससे ऊपर की तरफ संचार हो रहा है। अभी तक क्या हो रहा था, अधिकारी ऑर्डर दे रहा है, ठीक है, अधिकारी ने ऑर्डर दिया, ऑर्डर के द्वारा कर्मचारी को ऑर्डर मिला, कर्मचारी ने वो काम किया, अपना खत्म किया, उसको दिया। अब जब यहाँ से वो दे रहा है वापस कोई चीज़, तो क्या है, अपवर्ड कम्युनिकेशन हो रहा है, यानी कि वो नीचे के स्तर से ऊपर के स्तर पर जाना। उसका मैं लिख सकते हैं कि नीचे के स्तर से ऊपर की तरफ प्रवाह का होना। अब यहां जो प्रवाह की बात हुई है, ये किस प्रकार के प्रवाह की बात है, ये प्रवाह जो है ये है संचार का प्रवाह, संचार का प्रवाह। अब है थोड़ी है कि प्रवाह के इसका हवा का भी सकता है, पानी का भी सकता है, ठीक। तो संचार का प्रवाह कैसे, नीचे से ऊपर की तरफ संचार का प्रवाह होना, उसको हम क्या कहेंगे, अपवर्ड कम्युनिकेशन, ऊपरीमुखी संचार। अब इसमें इसके उद्देश्य क्या है उनको समझते हैं कि भाई किस लिए बनाया गया, काम क्या करता है, ये है क्या, ये इसको समझते हैं, उद्देश्य देखते हैं इसके। प्रतिवेदन एवं कठिनाइयों की जानकारी मिलना, समझते हैं कैसे। देखिए
जो आधिकारिक वर्ग है, ठीक, जब वो नीचे की तरफ कोई ऑर्डर पास कर रहा है, किसको, कर्मचारी वर्ग को, कर्मचारी वर्ग को वो ऑर्डर पास कर रहा है, कर्मचारी वर्ग को ऑर्डर पास करने के बाद में क्या वो कर्मचारी वर्ग की कठिनाई पता समझ पा रहा है, नहीं, उसका काम क्या, ऑर्डर देना, उसने ऑर्डर दे दिया, काम खत्म, किस्सा खत्म, उसको कोई मतलब नहीं है कि आपका क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जब आपको ऑर्डर दिया जाएगा तो आपकी जो कठिनाई है प्रतिवेदन की स्थिति जो होगी वो पता नहीं लग पाएगी, ये होगी आपका डाउनवर्ड। अब अपवर्ड में क्या है, आप इसको उल्टा कर दीजिए, जो आपका कर्मचारी वर्ग है वो अधिकारी वर्ग को बता पाएगा, ठीक है, अधिकारी वर्ग को अपनी समस्या बता पाएगा। मान लीजिए कोई एक ऑफिस है, ठीक, एक ऑफिस मान लीजिए, मैं ऐसा बनाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, ये ऑफिस है और इसमें एक कैबिन है बॉस का, ठीक है, बॉस लिख देते हैं यहाँ पर, ये बॉस का कैबिन है और यहाँ पर आपका वही मैनेजर हो गया या एचआर हो गया, ठीक, आपका कैबिन होगा एक साथ, और जब बाकी जो स्पेस आपका बचा ये वाला, इसमें क्या है, आपके सारे कर्मचारी जो है वो बैठे हैं, एक ऐसा स्ट्रक्चर मैंने बना दिया आपको एग्जांपल के लिए। अब यहां क्या होगा, इस कंडीशन में आप देखिए, जो बॉस है, अगर ये नीचे वाले जो मेंबर हैं ये इन सबको कम्युनिकेट ना करें, स्थिति ना बताएं, मतलब संचार की जो स्थिति है वो ऊपर की तरफ ना हो, नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, अगर ऐसी कंडीशन ना हो तो जो बॉस है क्या उनको पता लगेगा कि भाई जो काम हमने दिया है करने के लिए उसमें किस प्रकार की बाधाएं आ रही हैं, उनका हल क्या होना चाहिए बाधाओं का, ठीक, वो तो सोचेंगे भाई बाधा जो आ रही है आने दो, अगर कर्मचारी वर्ग अपनी बाधा ही नहीं बताएंगे, भाई कठिनाई आ रही है, मान लीजिए किसी को बुखार हो गया, ठीक, बॉस ने बोला भाई जो चार नंबर यहाँ पर जो बैठा है ना पर्सन, इस वाला ये वाला जो पर्सन बैठा है, ये वाला ये जिसको मैंने पी लिखा है, इसको आप एक काम दे दो, ठीक है, इसका काम है मान लीजिए सबकी सैलरी बनाना, ये सैलरी बनाते हैं, अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट काम है इनके पास में, सैलरी बनाने का, ठीक, अब इसके चक्कर में सबकी सैलरी रुक जाएगी भाई, अब सोचिए इसको, इसका लैपटॉप ख़राब हो गया, इसके पास इंटरनेट ख़राब हो गया, या इसको बुखार हो गया, मलेरिया डेंगू हो गया, बॉस ने बोल दिया भाई उस बंदे को काम दे दिया हमने, वो करेगा करके, अच्छा ठीक है भाई आपने दे दिया, लेकिन क्या वो काम कर पाएगा, क्यों, क्योंकि वो खुद किसी न किसी रूप से किसी न किसी चीज़ से ग्रस्त है, वो समस्या में घिरा हुआ है, कठिनाइयाँ उसके पास में। अब अगर वो बॉस को बताए भी ना, ठीक है, बॉस को ना बताए कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरा लैपटॉप नहीं चल रहा है या मेरा इंटरनेट काम नहीं कर रहा है या मेरे पास डेटा नहीं है, कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम जो ऑफिस में होती है नॉर्मली, वो नहीं बताएगा तो क्या बॉस को सोल्यूशन दे पाएगा, नहीं। और मान लीजिए बाद में बोले बॉस, हाँ भाई क्यों सबकी सैलरी में नहीं, काम क्यों नहीं हुआ ये बताओ, वो क्या कहेगा बाद में, सर ये समस्या थी, उनने अपनी समस्या बताई, बॉस क्या बोलेगा, ये तुम आदमी हो क्या मूर्ख हो भाई, आदमी हो या मूर्ख हो, जब तुम्हारे पास कोई समस्या थी तो आकर मुझे बताते और मैं उस समस्या का समाधान निकालता, जैसा भी होता, नहीं होता तो समय बताता कि भाई इतने समय के अंदर ये समाधान आपका हो जाए। अब देखिए जो बॉस ने काम दिया, ठीक है, बॉस का काम नहीं हुआ तो बॉस क्या करेगा भैया, आपको डांटेगा कि भाई काम नहीं हुआ, क्या फ़ायदा हुआ ऐसे काम का, ठीक, आपके पास समस्या से बताई क्यों नहीं, तो समस्याएं बताने से क्या होगा, समस्याओं का पूर्ण रूप से, या तो पूर्ण रूप से होगा या फिर भली भांति प्रकार से हम कह सकते हैं, ठीक है, जैसे भी संभव हो, जैसी भी कंडीशन हो, उस कंडीशन में समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। तो ये इसका एक पहला उद्देश्य हो गया। अब बात करते हैं इसके दूसरे उद्देश्य के बारे में, प्रबंधक को इसको ऐसा नहीं, ऐसा कर देते हैं, उच्च प्रबंधक को आवश्यक प्रतिपुष्टि, ठीक है, प्रतिपुष्टि, इसको हम कहते हैं क्या, फीडबैक, फीडबैक, ठीक है, प्राप्त होती है।
देखिए यहाँ क्या है, उच्च प्रबंधक जो है, उच्च प्रबंधक की जो हमने कंडीशन बताई यहाँ पे, ठीक है, तो उच्च प्रबंधक को आवश्यक रूप से फीडबैक मिलता है। ठीक, कैसे फीडबैक मिलेगा, मान लीजिए ये आपका बॉस है, ठीक है, इसको हमने बॉस की कैटेगरी दे दी, अब इसने क्या किया, इसने कुछ एम्प्लॉय को काम दे दिया, ठीक है, इस बॉस ने इनको काम दे दिया, और काम देने के बाद में अब सोचिए आपका बॉस थोड़ा सा खड़ूस टाइप का है, ठीक, आप सही बात बोलो तो भी वो आपको डांटे, गलत बात बोलो तो भी डांटे, मतलब कहते हैं ना बात बात में अपनी बॉस की दिखाना कि बॉस गरीब, मैं बॉस हूँ, बॉस इज ऑलवेज राइट, वो वाला कॉन्सेप्ट। ठीक, अब क्या होगा, इसने मान लीजिए इस वाले पर्सन को, इसको कोई काम दिया कि भाई तुम्हें काम करना है, काम तो दे दिया लेकिन वो काम उसने कर भी दिया, लेकिन ये रिपोर्ट नहीं दे पा रहा अपने बॉस को, क्यों नहीं दे रहा, इसके मन में एक डर है, ठीक, कि भाई कुछ ना कुछ कंडीशन निकाल के मुझे डांटेगा ही, मेरी इंसल्ट करेगा ही मेरा बॉस, तब क्या होगा, जो एक आवश्यक फीडबैक है बॉस के पास वो नहीं जा पा रहा। ठीक, तो ये भी फीडबैक मिलना भी इसलिए ज़रूरी है, अगर आप एक इम्पोर्टेंट फीडबैक दोगे यहाँ पर, आप बताओगे सर ये प्रॉब्लम है, आप ऐसा क्यों करते हो हमारे साथ, हाँ आप हमें हमेशा नीचे दिखाते हो, आपकी इज्जत हमारी इज्जत नहीं है, तो इस प्रकार की कंडीशन। ठीक, फीडबैक किसी भी टाइप का हो सकता है, काम को लेकर फीडबैक हो सकता है कि बॉस ने जो काम दिया, बॉस को खुद को नहीं पता वो पूरी तरह से काम कैसे होगा, और इस बंदे ने वो काम कर भी दिया, ठीक है, अब जाकर के वो फीडबैक दे रहा है अपने बॉस को, अब क्या बॉस ने बोला अरे सही नहीं है ये, तो आपने काम सही नहीं किया, मज़ा नहीं आया, तब क्या है, वो भी एक फीडबैक दे, बॉस को मज़ा नहीं आ रहा। ठीक, अब फीडबैक कहाँ से कहाँ जा रहा है, दोनों के आपस में कम्युनिकेट हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन पैदा हो जाती है इन दोनों के बीच में, और ये हो जाता है एक आवश्यक फीडबैक उच्च प्रबंधक को, कहाँ से मिला, तो जो नीचे का स्तर है ना, निचला स्तर, नीचे से ऊपर की तरफ आवश्यक फीडबैक गया, फीडबैक मिलना, अब ये कंडीशन बन गई। ठीक है, इससे क्या होगा, जो कमियां ऊपरी स्तर पे थी, यानी कि जो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हमने पढ़ा था, जिसमें क्या हो रहा था कि जो बॉस है उससे जो एम्प्लॉई हैं उनके ऊपर बात जा रही थी सारी सारे, ठीक है, बस कम्युनिकेशन यहां से था कि संचार का माध्यम ये ऊपर से नीचे की तरफ, अब यहां क्या होगा, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है कम्युनिकेशन का माध्यम, ऐसा हो गया तब जो जरूरी चीजें हैं ग्राउंड स्तर पे, कि ग्राउंड स्तर पे क्या क्या समस्या आ रही हैं, भाई आप किसी भी चीज को चलाने के लिए ग्राउंड स्तर की समस्या, जो जमीनी स्तर की समस्या है ना, उनको समझना बहुत जरूरी है, अगर आप वो नहीं समझते तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो इन स्तरों की समस्या को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपवर्ड कम्युनिकेशन को अपनाना पड़ेगा, और अपवर्ड कम्युनिकेशन में ही आपको बताएगा कि क्या चीजें आवश्यक हैं, क्या चीजें आवश्यक नहीं है, और फीडबैक उसका एक उद्देश्य है, महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ठीक, अगला टॉपिक देख, अगला पॉइंट देखते हैं इसके अंदर, अगला पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है विचार एवं निष्ठा की जानकारी। देखिए इसमें क्या होगा, जो विचार एवं निष्ठा की जानकारी की बातें कर रहे हैं, ठीक, कैसे हो रहा है, कर्मचारी वर्ग से कहाँ जा रहा है, ठीक है, या फिर ऐसा कर लीजिए डायग्राम से ही रखते हैं हम लोग, अधिकारी से कर्मचारी, ये हो गया, ऐसे जा रहा है। अब देखिए आपने एक एम्प्लॉय तो ले लिए, ठीक है, कंपनी हुई,
कंपनी हो गया, ठीक है, कंपनी में आपने विभिन्न प्रकार के एम्प्लॉयज तो भर दिए कि चलो भाई दे दिए जॉब सबको, ये जॉब दे दिए, जॉब दे दी, कंपनी चालू है, काम चल रहा है, लेकिन ये बात कैसे पता चलेगी कि कौन निष्ठावान है और कौन नहीं, ठीक है। विचार एवं निष्ठा की जानकारी, देखिए यहाँ क्या होगा, कर्मचारी वर्ग जो है आपका, कर्मचारी वर्ग से फीडबैक जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, अपवर्ड कम्युनिकेशन हो रहा है। एक कंपनी में एक बॉस है, उन्होंने क्या किया, कर्मचारियों को हायर कर लिया, ठीक, सब कर्मचारी काम कर रहे हैं, वे काम तो करेंगे, किसी का कोई काम है, किसी का कोई काम है, लेकिन उसमें कौन सा कर्मचारी कितना कंपनी के लिए फायदेमंद है, कितना वो कंपनी के लिए ईमानदार है, क्योंकि जो ईमानदारी वो आजकल कम मिलती देखने के लिए, ठीक है, कौन कितना ईमानदार है ये भी देखना पड़ेगा। और वो सब पता कैसे लगेगा, वो सब पता लगेगा फीडबैक के द्वारा, ठीक है। और फीडबैक कौन सा होगा, ये कौन सा कम्युनिकेशन होगा, यहाँ पर होगा अपवर्ड कम्युनिकेशन, यानी कि जब जानकारी ऊपर से नीचे, सॉरी नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, कर्मचारी से अधिकारी वर्ग की तरफ जा रही है, तब होगा। मान लो कि इसमें मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे वही एक घर वाला एग्जांपल, एक घर है, ठीक है, घर में फैमिली रह रही है, 6 बंदों की एक फैमिली है, 6 मेंबर्स की एक फैमिली है, 5-6 ऐसा निकाल दीजिए, 6, ये नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7वां हो गया, कोई बात नहीं, बड़ी कर देते हैं फैमिली को, 7 मेंबर्स की फैमिली है। अब उसमें एक हेड ऑफ द फैमिली होगा, हेड ऑफ फैमिली होगा, ठीक है, जो हेड ऑफ फैमिली होगा, अब देखिए कुछ भी हो सकता है भाई, यहाँ पर क्या पता है ये इसको पसंद ना करता हो, ये ना करता हो, या ये ना करता हो, कोई भी हो सकता है जो हेड ऑफ फैमिली को पसंद ना करता हो, ठीक, फैमिली के हेड को पसंद नहीं करना, लेकिन ये पता कैसे लग रहा है, ये पता तभी लग रहा है ना जब जो फैमिली में नीचे के व्यक्ति हैं वो अपने विचार ऊपर के व्यक्ति को दे रहे हैं। घर में आपके कोई भी मुखिया होता है, आजकल मुखिया कौन चलता है, आजकल तो घर की जो महिला हो गई वो मुखिया होती है, क्योंकि राशन कार्ड पे जिसका नाम वो मुखिया, ठीक, और राशन कार्ड किसके नाम से बन रहा है, महिलाओं के नाम से, वो पितृवर्तक सत्ता निकल चुकी है, अब उसके जमाने लगने वाले बहुत जल्दी, ठीक है। तो क्या होगा, अब घर में जो भी मुखिया होगा वो जब दूसरों की बात करेगी, अब दूसरे में कोई भी हो सकता है, उसका बेटा हो सकता है, ठीक है, उसकी बहू हो सकती है, उसकी पोती हो सकती है, उसका पोता हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब वो उसको कितना पसंद करता है, कितना चाहता है, उसके बारे में कितना सोचता है, पता कैसे चलेगा, वो पता जब चलेगा जब वो नीचे वाले स्तर के लोग उसको बताएंगे, ठीक है, या फिर वो खुद स्वयं नीचे वाले स्तर का इंसान ऊपर वाले स्तर के इंसान को बताएगा कि भाई ये कंडीशन है, हम आपको इतना पसंद करते हैं या फिर आपसे इतना प्यार करते हैं, इतना हमें लगाव है, जब पता लगेगा। अब पता लगने की कंडीशन में कैसी कंडीशन बनेगी, देखिए अपवर्ड से, अपवर्ड के अलावा क्या होगा, ऊपर तो जा रही है, डाउनवर्ड तो नहीं है, अपवर्ड कम्युनिकेशन हो रहा है, फिर ऊपर की तरफ कम्युनिकेशन हो रहा है। अब इस कंडीशन में जब फैमिली कम्युनिकेट कर रही है, ठीक, अब फैमिली में कौन कितना ईमानदार है, देखिए कभी कभी क्या होता है फैमिली में होता ना, आग लगाने वाले इंसान होते हैं, एक दूसरे चुगली करते हैं, देखो ये तो ऐसी है, ठीक है, ये आपको खाना भी ना दे, ठीक, ये चाहते आप अभी मर जाओ, आपकी दादी को सोचे वो क्या सोचेंगी। फीडबैक आपको कैसे गया, नेगेटिव फीडबैक गया, किसके पास, आपके हेड के पास, तो क्या सोचेंगी, हाय ऐसा सोच रही है मेरे बारे में, अभी मर जाऊं, अभी ना मरूं मैं, अभी तो मैं तुझे मार के मरूंगी, उनका सोच ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो फिर वो ना चाहते वो उसको हेट, एक ईर्ष्या वाली या घृणा की अभिव्यक्ति से देखने लगेंगे, ठीक। तो जैसा फीडबैक जाएगा वैसे ही फीडबैक क्या है, जानकारी का माध्यम हो गया, कम्युनिकेशन का जरिया हो गया। इसमें हम विचार और निष्ठा की बात कर रहे हैं। अब विचार भी हमने देखे कि भाई विचारों में क्या है, सोचना किसका कैसा है, कैसे विचार हो गए। अब विचार में जो है, हम विचार को कहें तो सामान्य स्तर पर भी ले सकते हैं, क्यों, कैसे सामान्य स्तर पर, ए है और बी है, दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, ठीक है, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, ठीक, माता पिता भी हो सकते हैं, दोनों इक्वल है, इनका विचार का स्तर इक्वल है, तो ये आपस में बात करने में डरेंगे, नहीं डरेंगे। आप होता ना कि भाई घर में जो सबसे बड़ा सदस्य होता है, कभी कभी होता ना भाई वो बड़ा खूंखार टाइप का होता है, ठीक है। और देखिए हमेशा आपने मूवीज में भी देखा होगा, जिस घर का सदस्य थोड़ा खूंखार टाइप का होता है, यानी कि जिसकी जात चलती है, जिसका दबदबा होता है घर में, वो क्या होता है उसके साथ में,
कि उसके घर में सब डरे डरे घूमते हैं, वो कहते हैं सुबह 5 बजे उठना है, सब 5 बजे उठ जाते हैं, किसी का मन हो क्या ना हो, चाहे वो रात को इंसान सोया ना हो, वो बोलता है इतना बजे खाना है तो खाना है, ये करना है तो करना है, अपने इंसान की लाइफ वहाँ नहीं रहती। अब वहाँ पर क्या हो गया, वहाँ पर जो नीचे का स्तर है, ये जो लोग हैं नीचे वाले, इनका ऊपर के स्तर के लोगों से, यानी कि जो हेड है इंसान, ऊपर के स्तर के लोग है, व्यक्ति है, उनसे कम्युनिकेशन ही नहीं है। ठीक, कम्युनिकेशन क्यों नहीं है, क्योंकि एक डर, जो विचार हैं उसमें एक डर की भावना पैदा हो गई। ठीक है, यहाँ पर डर की भावना देखी गई, डर की भावना देखी गई। यदि डर की भावना दिखाई देगी तब क्या होगा, कम्युनिकेशन में एक प्रकार की बाधा उत्पन्न होगी, और इस बाधा की वजह से कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से जो आधिकारिक वर्ग है, यानी कि ऊपर का जो व्यक्ति है, वो निचले तबके वाले व्यक्ति को कुछ समझेगा ही नहीं, मतलब उसकी समस्या क्या है वो जान नहीं पाएगा। ठीक, और इसको आप कहीं भी देख सकते हैं अपना करके, वैसे हम यहाँ पर केवल पढ़ाई से रिलेटेड बात करेंगे। ठीक, और ये हर जो धार्मिक चीज़ों में, जातिवाद में, सब जगह में देखने को मिलता है। ठीक, तो ये हो गया आपका क्या, इसका थर्ड उद्देश्य है अपवर्ड कम्युनिकेशन का। फोर्थ उद्देश्य को डिस्कस करते हैं हम लोग, फोर्थ उद्देश्य क्या है इसका, सौहार्द एवं समन्वय स्थापित होना। इसका चौथा उद्देश्य है, देखिए यह जो शब्द हैं सौहार्द और समन्वय, इनको समझ लेते हैं, इन्हीं के ऊपर पूरा का पूरा डिपेंड रहेगा। ये कैसे, जो अधिकारी वर्ग है आपका, ठीक है, और कर्मचारी वर्ग है, अधिकारी वर्ग जो भी नीति बनाएगा, नीतियां बनाएगा, ठीक है, किसके लिए बनाएगा, कर्मचारी वर्ग के लिए बनाएगा, तो जो नीतियां बनाएगा उसमें जो भी लिस्ट यहां बनेगी, ठीक, सोचिए बिना अपवर्ड कम्युनिकेशन के कैसी होगी। अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या है, कि जो कर्मचारी की समस्याएं हैं, कि समस्याएं है। कर्मचारी की समस्याएं हैं वो आधिकारिक वर्ग तक पहुंच ही नहीं रही हैं। ठीक है, जब आधिकारिक वर्ग तक वो पहुंच नहीं रही तो क्या होगा, जो नीतियां आधिकारिक वर्ग बना रहा है कर्मचारी वर्ग के लिए, उसमें क्या होगा, उसमें कमी होगी, यानी कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी, उनका अभाव होगा, हम ऐसे कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाता हूं, जैसे समझिए, बहुत एक एग्जांपल देता हूं, भारत का संविधान, ठीक है, भारतीय संविधान। अब देखिए, जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था, ठीक, तब क्या ये देखा गया था कि भाई किसी एक तबके के इंसान को देख के संविधान बना दो, जैसे वो मनुस्मृति वाला समय चल रहा था, ठीक है, या फिर जब संविधान से पहले का समय चल रहा था, क्या हुआ उस टाइम, संविधान बनाने के टाइम पर ध्यान दिया गया कि जो ऊपर के वर्ग हैं, नीचे के वर्ग हैं, ठीक है, उन सबको समान रखने की कोशिश की गई, साथ में जो विभिन्न प्रकार के धर्म हैं के धर्मों को साथ रखा गया। ये सब संभव कैसे हो पाया, ये सब संभव होने का एकमात्र कारण था कि जो नीतियां बनाई गई उसमें कर्मचारी वर्ग जो है, ठीक है, उन सब की स्थिति को भी ध्यान रखा गया। अब सोचिए, जैसे आप आज के डेट में काम कर रहे हो, लो है एक, ठीक है, लो कैसे है कि भाई एक व्यक्ति जो है वो 8 घंटे काम करेगा, 8 घंटे की ड्यूटी होगी, ये गवर्नमेंट का रूल है, ठीक है, आपका बॉस कहता है भाई एक काम करो, आपको हम ओवर टाइम देंगे, 8 घंटे अगर काम करेगा तो ओवर टाइम मिलेगा, अब ओवर टाइम मिल रहा है, उन्होंने कहा आपको 12 घंटे काम करना है, ठीक है भैया,
हम 12 घंटे काम करेंगे, 8 के 12 आप कितने घंटे का हो गया आपका, 4 घंटे का ओवर टाइम हो गया भाई। अब आप जैसे मर्जी है, ओवर टाइम डबल मिल रहा है, आधा मिल रहा है, डेढ़ गुना मिल रहा है, वो बॉस की अपनी हैडिक है, ठीक है। और आप लोग आप कैसे लेते हो उससे, बस मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, ठीक। तो 12 घंटे हो गया। अब कानून ये कहता है कि आपकी अगर मर्जी है, ठीक है, तभी आप 12 घंटे से ज़्यादा, क्या वो 16 घंटे हो, 18 घंटे हो, या पूरे 24 घंटे हो, या 22 घंटे हो, कुछ भी हो, अगर आपकी मर्जी है एम्प्लॉय की, तभी वो काम आगे करे, अन्यथा वो अपने बॉस को मना कर सकता है कि भाई मैं 12 घंटे तक आगे काम नहीं करूँगा। इसके बिहाफ पे कोई पनिशमेंट नहीं होगी, ना कोई सैलरी काटी जाएगी, ना कोई पनिशमेंट होगी, ना कोई सजा दी जाएगी, ठीक है। अधिक कर्मचारी वर्ग की अपनी मर्जी होगी। तो ये क्या है, एक प्रकार से क्या हुआ, एक नीति बनाई गई। और नीति कैसे बनी, ये जब ये नीति बनाई गई तो कर्मचारी वर्ग की जो समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखे। क्यों ध्यान में रखा गया, क्योंकि जो पहले ज़माने में कर्मचारी वर्ग थे उनको ना कोई छुट्टी दी जाती थी, और उठाया काम में झोंक दिया, मर भी जाए तो काम करना है, बोला मर गए तेरी जान इतनी कीमती नहीं, तो मेरा काम कीमती है, तू मर जाए काम करता तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन काम होना चाहिए, ठीक। तो कर्मचारियों की समस्याओं को ध्यान में रख करके नीति बनाई गई। यहाँ पे क्या हुआ, नीति कैसे बनी, समन्वय स्थापित हुआ। समन्वय कहाँ स्थापित हो रहा है, समन्वय स्थापित हो रहा है कर्मचारी वर्ग से आधिकारिक वर्ग में, यह है समन्वय की स्थिति, ठीक। मैं लिख देता हूँ समन्वय की स्थिति, तो ये समन्वय की स्थिति है, ठीक। इस समन्वय के फायदे क्या हो रहे हैं, देखिए, जब समस्याओं को आप नहीं बताएंगे, ठीक। अब मान लीजिए किसी की समस्या है, भैया कोई व्यक्ति है, सोचिए, सपोज कीजिए कोई इंसान है, वो काम कर रहा है, अब वो काम कितने घंटे कर रहा है, कोई लिमिट नहीं है काम करने की उसकी, उसकी अपनी मर्जी है, ठीक है। कभी कभी वो कंपनी में 16 घंटे भी काम करता है, कभी 18 घंटे भी करता है, कभी 8 घंटे भी करता है, उसकी अपनी मर्जी है। क्यों मर्जी है, क्योंकि भाई बंदा बैचलर है, कुंवारा है, ठीक, कर रहा है आराम से, मजे आ रहे हैं उसको, करे जा रहा है, ठीक। अब क्या होता है, उसकी शादी हो जाती है, शादी हो गई, ठीक है। अब क्या होगा, अब बॉस ने बोला उसको कि भाई पहले की तरह काम कर रहा है, तुम्हारी एफिशिएंसी घट रही है, मज़ा नहीं आ रहा तुम्हारे काम में। उन्होंने कहा ठीक है सर, मैं ट्राई करता हूँ। वो फिर ट्राई कर रहा, 16 घंटे, 18 घंटे, 8 घंटे सब काम कर रहा, दबा के काम कर रहा, खूब काम कर रहा बेचारा, बहुत मन लगा, बहुत अच्छा एम्प्लॉई है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक तरह समन्वय उन्होंने बना लिया, दूसरी तरफ जो बैठा है वह समन्वय नहीं बना पा रहा। अब बीवी ने दे दी धमकी कि देखो ऐसा तो नौकरी छोड़ दो या मुझे छोड़ दो, ठीक है, या तो नौकरी छोड़ दो या मुझे छोड़ दो। आगे एक दिन अपने ऑफिस में आया, ऑफिस में क्या कहा, बैठा है उदास एकदम, किसी से बात नहीं कर रहा, आप कोई बात नहीं करनी, आज मूड खराब बहुत। भाई कर्मचारी ने पूछा क्या हो गया, अब आपसे ही मैं तो बता दिया उसने कि यार तुम्हारी भाभी ने धमकी दे दी आज, क्या तो नौकरी छोड़ दो या मुझे छोड़ दो, ठीक। अब कंडीशन कैसी बनी, एक छोड़ने छाड़ने वाली कंडीशन बन गई, यानी कि समन्वय वाली कंडीशन आ रही है। अब यहाँ क्या होगा, सब कर्मचारियों ने बात सुन ली, क्या उसका कोई समाधान निकाला, नहीं। कर्मचारियों ने बात तो सुन ली, क्योंकि ये समानांतर चीज चल रही है, एक दूसरे का पैरेलल है, कर्मचारी दूसरे के साथ में है, ठीक है। कोई आंसर मिला उसको, कोई सॉल्यूशन मिला, नहीं। लेकिन उसके बॉस ने उससे पूछा कि भाई क्या समस्या है, आज काम में ना मन लग रहा है, उदास बैठे हो, कोई चहल पहल नहीं, कुछ नहीं। उसने बताया कि सर घर से ऐसे धमकी मिली है, इतना काम करो तो मुझे छोड़ दो, काम छोड़ दो। अब बॉस ने, बॉस को क्या हुआ, एक फीडबैक मिला, क्या हुआ ये डाउनवर्ड से, सॉरी अपवर्ड से, अपवर्ड कम्युनिकेशन हुआ, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ कम्युनिकेशन गया। देखा संचार का प्रवाह कैसा होगा, नीचे से ऊपर की तरफ हो गया, कर्मचारी से बॉस की तरफ गया। अब बॉस ने क्या किया, सॉल्यूशन दिया, नीति बनाई, सॉल्यूशन दिया उसमें कि काम करो, आप 8 घंटे आकर ऑफिस में काम करो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे 9 घंटे 10 घंटे करने जाओ तो कर सकते हो, देख लो 2 घंटे मैनेज करो, तो चाहे तो अगर आप, मैं आपको ओवर टाइम दे दूंगा, आप वो काम बचा हुआ अपने घर से कर लो, ठीक है, मैं ओवर टाइम दे दूंगा, ठीक। अब क्या हुआ, व्यक्ति सही समय पे घर पहुंच गया, ठीक है, बीवी भी खुश, बॉस भी खुश, और जो एम्प्लॉय वो भी खुश। तो ये खुश कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है, यानी कि जो समन्वय स्थापित किया गया, ठीक, समन्वय स्थापित कर लिया गया, सबके सबको खुशी मिल गई।
समझ में, अगर अब कर्मचारी ही को बता करके वो शांत हो जाता है, यानी कि अपने साथियों को बताकर शांत हो जाता है और बॉस तक अपनी बात को लेकर ही ना जाता, तो क्या उसको ये आंसर ये फीडबैक सब मिल पाता, जो कठिनाई उसके लाइफ में थी वो दूर हो पाती? मुश्किल है, ठीक है। हालांकि घर जाए क्या पता बीवी और कठिनाई डाल दे उसके जीवन में कि अच्छा अब यहाँ पर कभी तुम काम करोगे, मैं फिर फायदा क्या हुआ, ऑफिस में कर लो काम, तो फिर फिर सिस्टम एक और ख़राब है उसका, ठीक है, फिर वहाँ भी कम्युनिकेशन बनाना पड़ेगा भाई उसको, वो अलग बात है। तो इस टाइप से होगा ये आपका जो समन्वय स्थापित करना है डाउन उसमें अपवर्ड कम्युनिकेशन में, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसमें अगला पॉइंट। अब इसके एडवांटेज लाभ देखेंगे हम।